सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल झारखंड लैब। तो गाइज, यहाँ पे देखिए आप लोग क्लास ट्वेल्थ का जो एडमिट कार्ड का डाउनलोडिंग लिंक एक्टिवेट हो गया, बट उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके स्कूल और कॉलेज में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा, आपके स्कूल और कॉलेज के अलावे इसे और कोई नहीं डाउनलोड कर पाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज़र आई डी और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि आपके पास नहीं होगा। अगर आपके पास है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर करना अगर आप कर भी लेते हो, अगर आपके पास है भी, तो उसके लिए आपको जो है साइन एंड मुहर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, मतलब एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो साइन एंड मुहर का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि आपको स्कूल कॉलेज में करवाना होगा और तभी तक वो वैलिड होगा। इसलिए आपको मतलब आज से क्लास ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग का सारे स्टूडेंट्स का डाउनलोड कर लेने के बाद उसको 2-3 दिन के बाद आपके स्कूल में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप स्कूल से अपने पता कीजिएगा आपके स्कूल में कब आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है। सो आप लोग उस दिन जाकर अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, एंड आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम 3 तारीख से है, सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बाहर से आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकल में आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन रहेंगे, सो देख लीजिएगा। ठीक है, होप गाइस कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको आप लोग कोशिश करोगे कि क्लास ट्वेल्थ अकेडमिक टेस्ट कैसे डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, परेशान रहोगे। इससे अच्छा कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, तब आपको पता चल गया कि आप नहीं कर सकते हो। अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके पास नहीं होगा, मुझे पता है, अगर है तो आप लोग कर सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज।